सत श्री अकाल, स्पीड न्यूज देख रहे सारे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत करती हूं फटाफट अंदाज दे विच। संसद के मानसून सैशन का जतीजा दिन है। सवेरे 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू हुई। दोवें सदनों मणिपुर को लेकर जिवें ही चर्चा हुई उस समय भारी हंगामा होया, जिस तों बाद सदन की कार्रवाई दोपहर तक लिए मुलतवी कर दी गई। दस दिए कि विरोधी दलों ने मणिपुर मुद्दे से भाजपा को घेरन की रणनीति बनाई। इस नाल ही सदन के बाहर विरोधी धिर गठजोड़ इंडिया वालों संसद भवन के सामने प्रदर्शन किया जा रहा है, जो सदन में मणिपुर से चर्चा से लोकसभा से राज्यसभा प्रधानमंत्री के बयान की मांग कर रहे हैं। हरियाणा च मुंडिया के मुकाबले कुड़ियां की गिनती फिर घट गई है। दिसंबर 2022 च 1000 मुंडिया की कुड़ियां की गिनती 917 से जो जून 2023 च घट के 906 से आ गई, यानी लिंग अनुपात 11 पॉइंट डिग गया। 6 महीनों में 2,50,523 बच्चों का जन्म होया। इन्हां च 1,31,461 मुंडे ते 1,19,062 कुड़ियां ने। दरअसल 2014 च हरियाणा च 1000 मुंडिया के कुड़ियां की गिनती 871 सी, हुणे घट के 917 तो 906 से आ गई। गुरदासपुर में एक महिला जज के घर हुई चोरी के मामले में नौकरानी उत्ते अनमनुखी तशद्दुद करन के दोष दो सहायक सब इंस्पैक्टर मंगल सिंह ते अश्विनी कुमार खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। दस दिए कि पीड़ित लड़की जज के घर काम करती थी, पुलिस इसनू पूछ पड़ताल हिरासत लै ली गई। मामले च इन्हां दोवां तों इलावा थाना सिटी गुरदासपुर के तत्कालीन मुखी गुरमीत सिंह ते जज की सुरक्षा च तैनात सरवन सिंह पहला ही मुअत्तल किए जा चुके हैं। इस तों इलावा मामले की विभागीय जांच SP रैंक के अधिकारी वालों की जा रही है। हड़ां ने पंजाब के कई जिलों में भारी तबाही मचाई है। जोरदार बारिशों ने स्थिति होर भी भयानक कर दी है। ब्यास सतलुज दरियावां का संगम हरीके हेडवर्क्स जिथे पानी का पद्धर घट हो गया, पर 22 जुलाई में हुई भारी बारिश कारण हरीके हेडवर्क्स च पानी का पद्धर फिर वधना शुरू हो गया। हरीके हेडवर्क्स के रेगुलेशन विभाग दफ्तर का कहना है कि हेडवर्क्स के अपस्ट्रीम च 1,03,000 क्यूसिक तो वध पानी की आमद थी, जिस तों डाउन स्ट्रीम 91,000 क्यूसिक पानी छड्या जा रहा है, जबकि फिरोजपुर फीडर नहर च 9,044 क्यूसिक और राजस्थान फीडर नहर च सिर्फ 3,000 क्यूसिक पानी छड्या जा रहा है। यमुना नदी के पानी का पद्धर वधन के नाल गाजियाबाद तो लंघन वाली हिंडन नदी ने भी समस्यावां पैदा कर दी ने। हिंडन नदी में पानी बहुत घट हुंदा सी, इसके पानी का पद्धर भी काफी वध गया। गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने हिंडन नदी में पानी का पद्धर वधन के मद्देनजर हेठले इलाके में हड़ की चेतावनी जारी की। अधिकारियों ने दस्सिया कि दरिया के पानी का पद्धर वधन की चेतावनी जारी किए जाने के बाद 5 पिंडों के करीब 200 लोगों को राहत कैंप में लाया गया, जिथे प्रशासन वालों खाण पीण की सेहत संभाल के प्रबंध किए गए। मुंबई च पिछले 24 घंटे च कई थावां ते भारी मीह पिया। मौसम विभाग ने मध्यम तो भारी वर्खा का अनुमान जताते हुए शहर लिए येलो अलर्ट जारी किया। सवेरे मुंबई च कुछ थावां ते मीह पिया, जदों कि कुछ थावां ते मीह नहीं पिया। भारतीय मौसम विभाग ने मुंबई केंद्र के लिए येलो अलर्ट जारी किया। मुंबई च मध्यम तो भारी वर्खा होने का अनुमान जताया जाए। नगर निगम के अधिकारियों ने कहा कि मुंबई च कितने भी पानी भरन की सूचना फिलहाल नहीं है। हलका मजीठा के थाना मतेवाल अधीन पैंदे पिंड पुराना तनेल की ड्रेन च डिगण कारण 10 साल बच्चे की मौत होने की मंदभागी खबर सामने है। पिंड वासियों वालों अपने तौर से रस्सियों की मदद देर रात तक भाल की गई, पर हनेरा ते पानी का तेज वहां होने कारण सफलता नहीं मिली। उन्होंने कहा कि रोस वजो पिंड वासियों की मदद नाल अमृतसर मेहता मुख सड़क से जाम लगाई, जब तक प्रशासन उन्होंने बच्चा नहीं लभ के दिता सी सड़क से आवाजाई नहीं चलन देंगे, जिस तों बाद प्रशासन ने गोताखोरों की मदद बच्चे की लाश बरामद कर ली। डेराबस्सी के रेले पिंड समगौली के एक 12 साल लड़के की बरसाती नाले च डुबण नाल मौत हो गई। मृतक की पछाण हरीश वासी जिला बरेली UP वजो हुई है, जो समगौली च किराए से अपने परिवार समेत रहिंदा सी। डेराबस्सी पुलिस ने बच्चे की लाश नूं कब्जे च लैके जांच शुरू की है। जानकारी अनुसार हरीश दिमागी तौर से सादा सी, फिर भी लोगों ने भाल जारी रखी थी। कई घंटे बाद हरीश की लाश नूं लभ के बाहर कढ़िया। पंजाब भाजपा के प्रधान सुनील जाखड़ जिला संगरूर के मुणक ते खनौरी के हड़ प्रभावित खेतरों का दौरा करके पीड़ितों नूं मिलणगे। जिला प्रधान रणदीप सिंह देओल ने दस्सिया कि भाजपा प्रधान जाखड़ संगरूर विखे पत्रकारों नूं भी संबोधन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लांडरिंग के एक मामले में दिल्ली के साबका मंत्री सेंदर जैन की अंतरिम जमानत का समा 5 हफ्तों लिए बढ़ा दिया। इस मामले की जांच ED कर रहा है। जस्टिस JS बोपन्ना और जस्टिस BLM द्विवेदी की बेंच वालों जैन वालों पेश वकील अभिषेक सिंघवी ने भी सूचित किया कि 21 जुलाई उन्होंने रीढ़ की हड्डी की सर्जरी हुई थी, उन्होंने ठीक होने लिए समा चाहिए। श्रोमणी अकाली दल संयुक्त प्रधान से साबका केंद्रीय मंत्री सुखदेव सिंह ढींसा ने SGPC चोणां सरगर्मी दिखाई शुरू की। दरअसल NDA दलों की बैठक च प्रधानमंत्री मोदी ने अकाली दल के सरप्रस्त प्रकाश सिंह बादल के देहांत मगरों सुखदेव सिंह ढींसा को अकाली दल का वारिस कहा। इस तों बाद सुखदेव ढींसा SGPC चोणां लैके पूरी तरह सरगर्म हो गए। ढींसा ने NDA की बैठक दौरान SGPC चोणां कराने का मुद्दा चुकया। श्रोमणी अकाली दल नाता तोड़न वाले अकाली आगुओं नाल भी ढींसा ने अहम बैठक की। इमीग्रेशन अधिकारियों ने बिहार से 2 चीनी नागरिकों को गिरफ्तार किया, जो 1 महीने तो घट समय में दूजी बार नेपाल के रस्ते भारतीय खेत्र में दाखिल हो गए सन। सहायक विदेशी खेत्र रजिस्ट्रेशन अफसर SK सिंह ने दसिया कि उन्होंने पूर्वी चंपारण जिले में स्थित रक्सौल सरहदी चौकी से गिरफ्तार किया गया। इमीग्रेशन विभाग के अधिकारी का कहना है कि रिकॉर्ड अनुसार चीनी नागरिकों ने इस तो पहला 2 जुलाई में भी भारतीय खेत्र में दाखिल होने की कोशिश की।
मणिपुर च जाति हिंसा कांड संसद के मानसून सैशन च जारी रेड़के दरमियान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हाथ जोड़ के विरोधी धिर अपील की कि इस चर्चा च भाग लवे। ठाकुर ने विरोधी धिर अपील की कि वह पूर्व उत्तर सूबे च औरतों खिलाफ जुलम का सियासीकरण न करे। विरोधी पार्टियां ने मणिपुर की स्थिति को लेकर संसद च सांझे रूप से प्रदर्शन करने की योजना बनाई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि औरतों प्रति जुलम दुखदाई है, इस नाल कोई फर्क नहीं पैंदा कि पीड़िता किस सूबे की रहने वाली है। अजिहां घटनावां ते लगाम लाउणा सूबे की जिम्मेवारी है। दुनिया भर में सिख भाईचारा अपनी दरिया दिली लिए जाने जाता है। आस्ट्रेलिया भी वड्डी गिनती सिख भाईचारे के लोग रहते हैं। ताजा मामले में ब्रिस्बेन मैंग हिल टाउन विखे पंजाबी मूल के एक सिंह ने गौरी औरत की मदद करने लिए अपनी दस्तार ला के उसके सिर से बांध दी। जानकारी मुताबिक औरत की कार अगे कोई कुत्ता आ जाने कारण ही हादसा वापरिया। कुत्ते बचाने की कोशिश बुजुर्ग औरत को गंभीर सट्टा लगी। पंजाब के साबका वित्त मंत्री ते बीजेपी के नेता मनप्रीत बादल तो विजिलेंस ब्यूरो वालों पूछगिछ की कि विजिलेंस ब्यूरो ने मनप्रीत सिंह बादल को बठिंडा दफ्तर तलब किया। मनप्रीत बादल ते मंत्री रहिंदे गलत तरीके नाल जमीन की खरीदो फरोखत करने के इल्जाम लगे ने। मनप्रीत सिंह बादल की शिकायत विजिलेंस नूं अकाली दल के विधायक सरूप चंद सिंगला वालों की गई सी। फिलहाल स्पीड न्यूज़ विच बस इन्ना ही। मैनूं दिओ इजाजत। धन्यवाद।